अब बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने सुबह सुबह मॉर्निंग एक्शन में वो नजर आए और शहडोल जिले की समीक्षा बैठक की। सीएम ने बैठक में सख्त तेवर भी दिखाए। जल जीवन मिशन पर सही जानकारी उपलब्ध न कराने पर जिला प्रशासन को फटकार लगाई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के कामों में लेट लतीफी पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन इन कामों में जो भी पैसा ले रहे हैं उन्हें सीधे बर्खास्त करें। वही शहडोल की मुख्य सड़कों की खराब हालत और बिजली की शिकायतों पर भी सीएम ने नाराजगी जताई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहडोल जिले के ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तारीफ की। डायलिसिस सेवा को लेकर भी सीएम ने अच्छा काम करने पर अधिकारियों को बधाई दी है। सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही सर हमारे पास इसमें उनको एक मौका दिया जाएगा तो इसमें सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। प्रक्रिया पूरी करके सेवा समाप्त करो सीधे, क्योंकि जो लोग पैसा मांग रहे गरीब से उसको शासकीय सेवा में रहने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं फिर डायलिसिस सेवाओं के लिए जिले को बधाई दे रहा हूँ। उसमें अस्पताल प्रदेश में नंबर वन पे है आपका। पिछले एक महीने में 312 मरीजों को लाभ दिया है, उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। आकर्ष शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकर्ष, आज शहडोल जिले की समीक्षा की, मॉर्निंग एक्शन मुख्यमंत्री का नजर आया और वही तस्वीरें हमने देखी। जिला जो अच्छा काम कर रहा है, जिन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया, वहां तारीफ भी मिली, लेकिन यदि कमी है तो मुख्यमंत्री के सख्त तेवर भी नजर आए। आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब आज मॉर्निंग मीटिंग शहडोल जिले की ली, तो जहां पर अच्छे काम हुए हैं वहां पर तारीफ भी की और जहां पर गलत काम या जहां पर लापरवाही बरती गई है वहां पर फटकार भी लगाई है। जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूलभूत सुविधाएं जो रहती हैं, सड़क, बिजली, पानी, इनको लेकर जिस तरीके से हम बात करें, जल जीवन योजना के बारे में बात करें, जब वहां के कलेक्टर से बात करी तो सही जानकारी नहीं दे पाए, पूरी जानकारी नहीं दे पाए, तो वहां पर उन्होंने फटकार भी लगाई वहां के जिला प्रशासन को। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो सीएम जब भी जिले की समीक्षा बैठक करते हैं तो सीएमओ की तरफ से वहां पर जो भी योजनाएं चल रही हैं केंद्र और राज्य सरकार की और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो किस तरीके से वहां पर जमीनी स्तर पर हैं उनके बारे में फीडबैक लिया जाता है। यही कारण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर जो मुख्य सड़कें हैं उनकी खराब हालत को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उसके बाद बिजली के बारे में ही बात करें तो मुख्य जो खम्भे हैं या फिर ट्रांसफार्मर है वो खराब पड़े हुए हैं, उसको लेकर कई बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की गई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों को लेकर और बिजली की हालत को लेकर नाराजगी व्यक्त की और दुरुस्त करने की दिशा निर्देश भी दिए हैं। उसके बाद यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने वहां के जिला प्रशासन से बात की। उन्होंने कहा कि कितने मकान आवंटित किए गए हैं और कितने मकान निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा जो जानकारी दी गई उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 2021 में जो मकान का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 2022 हो चुके हैं, अभी तक वो निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं किया गया और आवंटन भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा, लेट लतीफी आकर क्यों की जा रही है। हालांकि वहां के कलेक्टर ने जवाब जरूर दिया लेकिन उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आया और यही कारण है कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कई जगहों पर जहां पर कमियां थी वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि उनको दुरुस्त करिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। दूसरी तरफ उन्होंने कई चीजों पर जो है खुशी भी जाहिर की, जैसे ओडीओपी, जैसे एक उत्पाद एक जिला, जिसको लेकर शहडोल जिले में अच्छा कार्य किया जा रहा है और शायद वहां के कई उत्पादों को हम देख सकते हैं प्रदेश में और देश में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है आने वाले समय में। यदि हम उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर लाएं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्मों पर भी लाएं, शायद देश में अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल सकता है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इन उत्पादों की ब्रांडिंग की जाए। इसी तरीके से अन्य योजना डायलिसिस योजना के बारे में कहा कि 300 से ज्यादा मरीजों को आप लोग अच्छा इलाज समय पर दिया है आप लोगों ने, तो कई जगहों पर उन्होंने तारीफ भी किया जहां पर अच्छा कार्य किया जा रहा है। जैसे गौरव दिवस मनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले की तारीफ की है। जहां पर अच्छा कार्य किया गया वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की, जहां पर कमियां हैं उन पर फटकार भी लगाई और साथ में कहा कि किस तरीके से हम शहडोल जिले को आत्मनिर्भर बनाएं, प्रगतिशील बनाएं, जिससे वो मध्य प्रदेश को भी आत्मनिर्भर प्रगतिशील बनाने में सहभागी बन सके। तो तमाम चीजों पर फोकस किया और जीरो टॉलरेंस के साथ किसी भी तरह के अपराधी को बख्शा ना जाए, जल्द से जल्द उनके चालान कोर्ट में पेश किए जाए, उनको सजा दिलाई जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है। और आज की बैठक में हमें यही देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां के अधिकारियों के जहां पर अच्छा कार्य किया वहां पर उनको सहवासी भी दी और जहां पर बाकी जिलों में भी हमने यही देखा। आकर्ष, जिन जिलों ने, क्योंकि अभी तक सिंगरौली पन्ना को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर चुके हैं, शहडोल जिले की समीक्षा की, और इन जिलों में जहां जिस विभाग में जिस
जगह पर अच्छे विकास कार्य किए गए हैं, जो योजनाएं जनता तक सुचारू रूप से पहुंचाई जा रही है। वहां मुख्यमंत्री की तारीफ भी हुई, मुख्यमंत्री ने तारीफ भी की, लेकिन जहां पर कमियां दिखाई दी वहां सीएम के गुस्से का सामना भी अधिकारियों को, जिम्मेदारों को करना पड़ा है और उन कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। तो शहडोल जिले में भी यही हुआ, मुख्यमंत्री ने ओडीओपी कामों को लेकर यहां पर तारीफ की, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे थे जहां पर नाराजगी भी जताई है। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष जानकारी के लिए।